नमस्कार दोस्तों, मैं रम्य आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पल्सर 150 ट्विन डिस्क के बारे में। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपका जो भी कंफ्यूजन है वो पूरा इसी वीडियो के अंदर दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के प्राइस के बारे में। तो अगर आप अपनी सिटी का ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हैं, तो आपकी सिटी का नेम, स्टेट का नेम और पिन कोड जो है कमेंट बॉक्स के अंदर दे दीजिए। वहीं पर मैं आपको रिप्लाई कर आपकी सिटी का ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। साथ ही में फ्रेंड्स, अगर आप एक शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस न्यू दिल्ली का जानना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्राइस मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर चेक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में। तो आपको सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वेव DTSI इंजन दिया जा रहा है। DTSI की जो फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन, यानी कि जो इसका इग्निशन है वो ट्विन स्पार्क के साथ में काम करता है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही में 149.5 सीसी का आपको डिस्प्लेसमेंट दिया जा रहा है और 14 PS की पावर आपको दी जा रही है एट द रेट ऑफ 8000 के RPM में, और 13.4 Nm का टॉर्क जनरेट करता है एट द रेट ऑफ 6000 के RPM में। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं गाड़ी के टायर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये टायर आपको दिया जा रहा है ये ट्यूबलेस टायर है, 17 इंच के एलो व्हील्स के साथ में आपको मिलता है और 17 इंच का टायर आपको दिया जा रहा है। आगे पीछे डिस्क ब्रेक तो दिए ही जा रहे हैं। डिस्क का साइज़ 260 mm का फ्रंट का है और 230 mm का रियर का है। टायर को लेकर कोई भी चेंजेस नहीं करे गए हैं। साथ ही में अगर बात करें गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में, तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए जा रहे हैं विथ एंटी फ्रिक्शन बूस्ट के साथ में, और रियर में 5-वे एडजस्टेबल नाइट्रोक्स शॉक एब्जॉर्बर्स आपको दिए जा रहे हैं। तो ये इसके सस्पेंशंस हैं। साथ ही में आपको अगर मैं कंफर्ट की बात करूं, तो कंफर्ट वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी गाड़ी है, और 200 देख सकते हैं कि आपको 230 mm के यहाँ पर जो डिस्क ब्रेक दिए जा रहे हैं वो, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं गाड़ी के डायमेंशन के बारे में। तो आपको 2035 mm की गाड़ी की लेंथ दी जा रही है, 765 mm की आपको वृत्त मिलती है और 1115 mm की आपको हाइट दी जा रही है। साथ ही में 165 mm का गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा और 1245 mm का जो व्हील बेस है वो आपको दिया जाता था, आज आपको मिलेगा 1345 mm का, यानी कि व्हील बेस इसका बढ़ा दिया है। साथ ही में कर्ब वेट 144 kg का आपको दिया जा रहा है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स गाड़ी के ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में और बॉडी ग्राफिक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको एक कह दूँ एक चीज़ की इंडियाज़ फर्स्ट स्पोर्ट्स बाइक है ये, क्योंकि आज तक मार्केट के अंदर जो इसकी ग्रोथ है शायद तक किसी बाइक की नहीं है इंडिया के अंदर। और हेलोजन हेडलैम्प्स आपको यहाँ पर दिए जाते हैं, बजाज का जो लोगो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। साथ ही में डे टाइम रनिंग लाइट्स आपको मिल जाती हैं, जो कि हेलोजन के अंदर ही दी जा रही हैं। और जो इंडिकेटर्स हैं आप ये देख सकते हैं, जो इंडिकेटर्स हैं उसमें कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है, वही जो प्लेटिना वाले आते हैं वैसे ही आपको दिए जाते हैं एडजस्टेबल इंडिकेटर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं। और जो बॉडी ग्राफिक्स आप देखना चाहते थे वो ये रही, जो इसकी लुकिंग वाइज बहुत ज़्यादा बढ़िया गाड़ी को बनाया है। DTSI की बैजिंग भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही में फ्रेंड्स, 150 सीसी की जो बैजिंग है वो आपको यहाँ पर दी जा रही है, और पीछे की तरफ आपको LED टेल लाइट्स दी जा रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लुक आपको दिया जा रहा है। साथ ही में एग्जॉस्ट एक साइलेंसर आपको मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और आपको कोई भी चेंजेस गाड़ी के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। साथ ही में फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर डिजिटल मीटर दिया जा रहा है, और यहाँ पर आपको RPM मीटर जो है वो एनालॉग मिलता है। साथ ही में ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, टाइमिंग वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सारी आपको डिजिटल वे में दी जा रही हैं। न्यूट्रल की लाइट, हेडबीम्स की लाइट, इंडिकेटर्स की लाइट और बैटरी की जो लाइट है वो आपको यहाँ पर दी जा रही है, और रीसेट करने का बटन आपको यहाँ पर मिलता है। साथ ही में सेल्फ स्टार्ट बटन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। हेडविंड्स पासिंग का स्विच आपको यहाँ पर मिलता है, एडजस्टेबल का स्विच आपको यहाँ दिया जा रहा है, और इंडिकेटर्स का स्विच आपको यहाँ पर मिलता है। साथ ही में जो हॉर्न है इसका वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और ड्राइवर फ्रेंडली मिरर मिलती है, जो कि ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और साथ ही में फ्रेंड्स, अगर बात करें गाड़ी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, तो 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको दी जा रही है, और पल्सर की जो बैजिंग है वो भी आपको क्रोम ट्रीटमेंट के अंदर
मिलती है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही में अगर DTSI की बात करें तो सक्सेसफुल गाड़ियों में से एक गाड़ी है बजाज पल्सर, और कंपेयर करती है TVS अपाची से, जो कि बहुत अच्छा कंपैरिजन करने के लायक है और कर सकती है। लेकिन अगर माइलेज वाइज कॉन्सेंट्रेट किया जाए तो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बाइक है, और एज अ बिग सीसी इंजन के साथ में माइलेज जो देती है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा माइलेज आपको मिलता है। Words that we spoke, yeah, only with our eyes. Now is the time to choose. Somebody wins and some lose. I can see through your disguise. Lay it down, hope for something better. Looking at the clouds, the slither in the weather. You can't keep this up. The lines are just too.